प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। क्लास 10 के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 रिफॉर्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन, इस चैप्टर की वीडियो सीरीज हमारी चल रही है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है। एजुकेशनल रिफॉर्म के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में कन्फ्लिक्ट बिटवीन ओरिएंटल एजुकेशन एंड वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होने वाला है ठीक उसके बाद का पार्ट, जहाँ पर हम वेस्टर्न एजुकेशन में जो डेवलपमेंट है उसे डिस्कस करेंगे। इस पार्ट को डिस्कस करते वक्त मैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करूंगा। इन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं वन बाय वन बता देता हूं। जब हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में देखेंगे कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने किस तरह से इसके डेवलपमेंट में हेल्प किया। क्रिश्चियन मिशनरीज के हेल्प के बाद हम लोग जानेंगे नॉन गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में। नॉन गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट पॉलिसीज में कुछ सुधार हुए हैं जिसके बाद जो इंग्लिश एजुकेशन था, वेस्टर्न एजुकेशन था, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग्स के डिक्लेरेशन को, एंड फाइनली इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है वुड्स डिस्पैच, जिसके बाद हम वेस्टर्न एजुकेशन के पूरे ग्रोथ को समझ पाएंगे। तो चलिए अब आज का वीडियो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स में ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन या फिर इंग्लिश एजुकेशन। इस वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन के ग्रोथ से पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ओरिएंटल एंड इंग्लिश एजुकेशन देख लिया है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ओरिएंटल एजुकेशन को कुछ ब्रिटिश लोग सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इससे उनका उल्लू सीधा होता था। वे चाहते थे कि हम उनके गुलाम बने रहे, हमारे अंदर डेवलपमेंट ना आए, और इसीलिए वो हमें ओरिएंटल एजुकेशन को सपोर्ट करके दिखा रहे थे। वो हमारे कल्चर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो हमें अपना गुलाम रखना चाहते थे। सेम टाइम पे ही हम लोगों ने देखा कि वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करने वाले लोग आए, पर ये वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करने वाले जो लोग आए थे, तो वो क्या सिर्फ हमारा ही भला सोच रहे थे या इसमें कुछ उनका भी भला था? ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आज के इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाली है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने स्क्रीन पर। इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न एजुकेशन। द गवर्नमेंट हेडेड बाई द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ स्प्रेडिंग वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। हम लोगों ने पढ़ लिया था। येट इट कुड बी इग्नोर द डिमांड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन फॉर लॉन्ग। लेकिन इसे ज़्यादा दिनों तक ऐसे इग्नोर नहीं किया जा पाया। एज द ब्रिटिश रूल वॉज फिर्मली एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, लॉ कोर्ट्स एंड ऑफिसेज बिगेन टू बी फाउंडेड। जब इंग्लिश एजुकेशन यहाँ स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, तो बिल्कुल ब्रिटिश लोग यहाँ आकर उन्होंने अपने बिजनेसेस यहाँ स्टार्ट किए। ब्रिटिश मर्चेंट्स टू सेटअप देयर फैक्ट्रीज एंड देयर सिमिलर एस्टैब्लिशमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। अब क्या हुआ, ब्रिटिश लोग आके यहाँ बिजनेस स्टार्ट करने लगे। सून इट वॉज फील्ड दैट इंडियन एम्प्लॉयज इन दीज ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स शुड हैव सम नॉलेज ऑफ इंग्लिश। वो भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश का नॉलेज हमें नहीं देना चाहते थे, लेकिन कुछ इंग्लिश का नॉलेज हम तक पहुंचाना चाहते थे जिससे उनका काम निकल पाए। मिडिल क्लास बंगालीज वेयर ड्रॉन टू लर्निंग इंग्लिश एंड एक्वायरिंग गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर दैट। तो इसके बाद मिडिल क्लास बंगालीज को टारगेट किया गया, जिन्हें थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज देकर उन्हें गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट जॉब्स में रखा जाने लगा। अ फ्यू फॉरनर्स सीज दिस अपॉर्चुनिटी एंड सेटअप इंग्लिश टीचिंग स्कूल्स। ये उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखने लगा और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने इंग्लिश टीचिंग स्कूल खोल लिया, यानी एक और बिजनेस, हमसे ही हम पर ही बिजनेस। द नोटेबल अमॉन्ग दीज वेयर द स्कूल्स मैनेज्ड बाय सर्नबॉर्न, मार्टिन बोल्स एंड डेविड डरमंड। तो आप देख सकते हैं कि कुछ स्कूल्स के नाम बताए गए हैं जो उस टाइम पर इस्टेब्लिश हुए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस मिशनरी। मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ 5 पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, जिसमें से क्रिश्चियन मिशनरी पहला हमारे पास है। क्रिश्चियन मिशनरीज क्या है? तो क्रिश्चियन मिशनरीज प्लेड एन इमेंसली इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। दे सेट अप अ नंबर ऑफ स्कूल्स टू प्रीच क्रिश्चियनिटी अक्रॉस द कंट्री। यानी कि अब यहाँ पर क्रिश्चियन स्कूल्स इसलिए इस्टेब्लिश किए जा रहे थे क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करवाना चाहते थे। क्रिश्चियन लोग और बढ़े, उनके रिलीजन को लोग समझे और उसमें दाखिल हो, वो ये चाहते थे। इन 1800 AD मार्समैन वार्ड एंड विलियम कैरी इस्टेब्लिश द बाप्टिस्ट मिशन इन श्रीरामपुर। नियरली 10,000 इंडियन स्टूडेंट रिसीव्ड वेस्टर्न एजुकेशन इन 126 स्कूल्स विच दीज मिशनरीज सेटअप। तो इन मिशनरीज ने, क्रिश्चियन मिशनरीज ने 126 स्कूल्स अप्रॉक्स सेटअप किए, जिसमें से 10,000 अप्रॉक्स कैंडिडेट्स वेस्टर्न एजुकेशन पा रहे थे।
रॉबर्ट मे ऑफ द लंडन मिशनरी सोसाइटी फाउंडेड एन इंग्लिश टीचिंग स्कूल इन चिनसुरा. लेटर 36 मोर स्कूल्स वर एस्टैब्लिश एट दिस एट हिज इनिशिएटिव्स. तो आप देख पा रहे हैं क्रिश्चियन मिशनरी इस्टैब्लिश हुए. अब क्रिश्चियन मिशनरीज का भी जो रोल था या जो उनका एम था वो भी हमें क्लियर दिख रहा है. यहाँ पर उनका एम भी हमें सपोर्ट नहीं करना था बल्कि उनका एम था खुद का सपोर्ट. द श्रीरामपुर बाप्टिस्ट मिशन, द लंडन मिशनरी सोसाइटी 1795 एंड द चर्च मिशनरी सोसाइटी टुक द इनिशिएटिव टू सेटअप मेनी स्कूल्स इन एंड अराउंड कैलकाटा एंड चिनसुरा, बर्धमान, बहरमपुर, कालना, मालदा एज वेल एज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. द बैप्टिस्ट मिशन फाउंडेड अ कॉलेज एट श्रीरामपुर 1880 AD. तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से इन लोगों ने अपना एस्टैब्लिशमेंट किया. चलिए अब हम लोग कुछ नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में जानते हैं. अराउंड दिस टाइम सेवरल लिबरल माइंडेड इंडियंस एंड फॉरनर्स टुक द इनिशिएटिव टू सेटअप अ नंबर ऑफ नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स. अब नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स एस्टैब्लिश होने लगे. आपको पता है ओरिएंटलिस्ट एक ग्रुप था जो चाहता था कि सिर्फ ओरिएंटल एजुकेशन लोगों को पहुंचाया जाए. लैंग्वेज ग्रुप में जैसे कि संस्कृत, उर्दू और पारसियन उन्हें पढ़ाया जाए. इस तरह से हटकर कुछ इंडियंस ने जो लिबरल माइंडेड थे, जो समझते थे इस पूरे सिनेरियो के टोटल आउटकम को कि ये लॉन्ग टर्म पे क्या इफेक्ट देगा, उन्होंने इंडिपेंडेंट होकर अलग स्कूल्स बनाने स्टार्ट किए जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल बनने लगे. दिस इमिनेंट पर्सनैलिटीज इंक्लूडेड, अब कुछ उनमें से नाम बता रहे हैं जो ऐसे लिबरल माइंडेड थे. उनमें राजा राम मोहन रॉय का नाम आता है, राजा राधाकांत देव का नाम आता है, द्वारकानाथ टैगोर का नाम आता है, राय बहादुर, ताजचंद्र रॉय ऑफ बर्धमान एंड डेविड हियर. तो ये वो कुछ लोग थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट होकर नॉन गवर्नमेंट स्कूल इस्टैब्लिश किए. ये सेकेंड पार्ट था नॉन गवर्नमेंट स्कूल. इसके थर्ड पार्ट में अब हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज. अब इस टाइम तक गवर्नमेंट के पॉलिसीज में भी डिफरेंस आने लगे हैं. क्या डिफरेंसेस है चलिए देखते हैं. मैकॉले के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताया था कि मैकॉले ने फाइनली 1835 में एक एस्टैब्लिशमेंट कर दी कि और गवर्नमेंट ने, लॉर्ड बेनेडिक्ट ने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि अब वेस्टर्न एजुकेशन अपनाया जाएगा, इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा. ये गवर्नमेंट पॉलिसीज उसी तरफ इशारा कर रही है. इन 1835 द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन वॉज अडॉप्टेड एज अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. कैलकाटा मेडिकल कॉलेज, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज इन रुड़की और डिफरेंट स्कूल्स एस्टैब्लिश किए गए. यहाँ पर ये जो स्कूल के नाम है उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को आप देखेंगे तो. तो गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में समझ में आया. आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड हार्डिंग्स डिक्लेरेशन. या लॉर्ड हार्डिंग ने क्या डिक्लेरेशन दिया हम लोग उसको जानते हैं. इसके बाद इस चैप्टर के आखिरी भाग में पढ़ेंगे. ये हमारा फोर्थ पार्ट है. तो लॉर्ड हार्डिंग्स डिक्लेरेशन, द काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज फॉर्म्ड इन 1842 AD. इन 1844 AD लॉर्ड हेस्टिंग द गवर्नमेंट जर्नल डिक्लेयर दैट इंडियंस विथ अ कमांड ओवर इंग्लिश वुड बी गिवन प्रायोरिटी इन द गवर्नमेंट जॉब्स. सून आफ्टर द मिडिल क्लास बंगालीज शोड अ सर्ज ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश एंड द ट्रेडिशनल वर्नाकुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिक्लाइन. यानी कि जो ओरिएंटल एजुकेशन था वो इसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा क्योंकि साफ पता चल रहा था कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब पाने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप इंग्लिश में अच्छे होंगे. और ये चीज़ लॉर्ड हेस्टिंग का डिक्लेरेशन के साथ साथ स्टार्ट हुआ. तो ये था हमारा लॉर्ड हेस्टिंग का डिक्लेरेशन. अगर लॉर्ड हेस्टिंग के डिक्लेरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं तो वो होता है उनका ये अनाउंसमेंट 1844 में आया था. अब हम वुड डिस्पैच के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा आखिरी है जिसके साथ हमारा ये जो वेस्टर्न एजुकेशन का ग्रोथ है ये कंप्लीट हो जाएगा. वुड डिस्पैच, अलॉन्ग मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर फाउंडेड विद द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट पैट्रोनेज सिंस 1830 AD. द करिकुला एंड द टीचिंग पैटर्न इन दीज इंस्टीट्यूट lacked consistency. On 19th July 1854 AD, Charles Wood, president of the Board of Control, published Wood's dispatch. तो इवन कि इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हो चुका था लेकिन कोई करिकुला नहीं चल रहा था, बस इंडिपेंडेंट तरीके से कुछ भी पढ़ाया जा रहा था. तो एक सिस्टमेटिक डिज़ाइन होना चाहिए था, इसके लिए वुड डिस्पैच आया. इट इज़ रेफर्ड टू एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द स्प्रिट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया. ये मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया किसे माना जाता है, याद रखिएगा वुड डिस्पैच को. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द एजुकेशन सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया इज एक्चुअली फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्पैच. ओके, तो वुड डिस्पैच था, इसी में वो सारी चीज़ें आई थी. वुड डिवाइडेड द एंटायर एजुकेशन सिस्टम इनटू 5 ग्रुप्स. ही ऑल्सो डायरेक्टेड द सेटिंग ऑफ मेनी मोर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड एन एजुकेशन डिपार्टमेंट अक्रॉस द कंट्री. तो उन्होंने, देखिए जो आज हमारा सिस्टम जिस तरह से चल रहा है कि एक काउंसिल होता है, एक बोर्ड्स होते हैं,
प्राइमरी एजुकेशन अलग होता है, सेकेंडरी अलग होता है, कॉलेज लेवल्स अलग होते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने ही डिवाइड करके हमें दी अपने वो डिस्पैच में। फाउंडिंग द थ्री यूनिवर्सिटीज़, और साथ ही साथ उन्होंने थ्री यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई जिसमें प्रेसिडेंसी कॉलेजेस ऑफ कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास थे। द क्रिएशन ऑफ दिस पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, उन्होंने ये पोस्ट भी बनाया। बूस्ट इन वुमेन्स एजुकेशन, तो वुमेन्स एजुकेशन को बूस्ट करने में इसने काफ़ी हेल्प किया, ये जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाया गया। द यूज़ ऑफ मदर टंग एज द मीडियम ऑफ जर्नल इंस्ट्रक्शन, टीचर्स ट्रेनिंग एंड अवार्ड मेरिट स्कॉलरशिप इन फाउंडिंग यूनिवर्सिटीज। After resolution, Lord Dalhousie established a department of public instruction in each province. In 1857 AD, universities came up in Calcutta, Bombay and Madras. In 1882, universities were also set up in Lahore and Allahabad. Sir James William Colville was the first Vice Chancellor of Calcutta University. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से education system में growth आना start हुआ है, जो हमारा आज का topic था। तो वुड डिस्पैच को हम लोग मान सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन अभी पढ़ा कि इसे मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है। तो ये था टोटल डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। आई होप कि आपको ये पूरा आर्टिकल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, हम लोगों ने आज के इस आर्टिकल को कंप्लीट कर लिया है। हम अपने अगले क्लास में मिलने वाले हैं, जहां पर हम वुमेन्स एजुकेशन और उसके साथ ईश्वरचंद विद्यासागर के कनेक्शंस को पढ़ने वाले हैं इलैबोरेटली। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए पॉजिटिव बन पाया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं जितने मेहनत के साथ आपकी ये वीडियोस बनाता हूं, उतना सपोर्ट इस वीडियो को मिले ताकि मैं आप लोगों के लिए यह मेहनत कंटिन्यू कर पाऊं। अगर आप इस वीडियोस को सही सपोर्ट नहीं देंगे तो मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊंगा इस हार्डवर्क को कंटिन्यू करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं मैं इस हार्डवर्क को कंटिन्यू करूं, आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियोस लाता रहूं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।